गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेस्पा की SXL 150 जो मॉडल आती है। देखिए दोस्तों, इसका जो लुक है ना वो आपको किसी भी स्कूटर में देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी ब्रांड में देखने को नहीं मिलेगा। मैं मानता हूँ कि इसका प्राइस भी हाई है, लेकिन आप ये भी चीज़ को समझिए कि इसमें कंपनी ने क्या क्या स्पेसिफिकेशन दी है। कंपनी ने इसे जैसा डिज़ाइन किया गया ना, वो किसी भी आप लोगों को मॉडर्न स्कूटर में ऐसा डिज़ाइन नहीं मिलेगा जो कि वेस्पा में देखने को मिलता है। साथ में इसमें आप लोगों को 150 मॉडल में जो पावर देखने को मिलेगा ना, वो आप लोगों को किसी भी स्कूटर में देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एप्रिला को छोड़कर। तो मेरे हिसाब से वेस्पा जो 150 मॉडल है काफी खास गाड़ी है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेस्पा SL के बारे में। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं वेस्पा के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात कर लेंगे प्राइस के बारे में। जी हाँ, स्कूटर के हिसाब से इसका प्राइस आपको थोड़ा सा हाई देखने को मिल जाता है, लेकिन भाई यहाँ पे ऐसा कि इसको बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है और इसमें जो पावर एंड कैपेसिटी है वो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक्स शोरूम प्राइस में हमें ये व्हीकल 1.27 लाख रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है। 1,27,000 रुपये में ये हमें एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों ऑन रोड प्राइस के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पहले एक चीज बता दूं कि आपके स्टेट में एंड मेरे स्टेट में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। हमारे यहां ये व्हीकल 1,45,000 रुपीस के आसपास ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। 1,45,000 रुपए के आसपास ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। आपके स्टेट में मेरे स्टेट में प्राइस में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाएगा ऑन रोड प्राइस में, एक्स शोरूम प्राइस में नहीं, ऑन रोड प्राइस में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हर एक स्टेट का RTO एंड इंश्योरेंस में आपको थोड़े से चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेंगे इसके इंजन के बारे में। इंजन टाइप में सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड SOSC 3 वॉल्व इंजन देखने को मिल जाता है। 3 वॉल्व आपको किसी भी स्कूटर में देखने को नहीं मिलेगा। 149cc का इंजन लगाया गया है इस व्हीकल में। मैक्सिमम पावर में 10.46 का PS पावर मिल जाता है। जी हाँ, 10.46 का PS पावर, और वहीं मैक्सिमम टॉर्क में 10.60 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है, यानी कि पिकअप एंड पावर में बहुत ही अच्छी तरह से दिया गया है। 1 नंबर ऑफ सिलेंडर में डिजाइन किया गया है दोस्तों। कूलिंग सिस्टम में एयर कूल्ड देखने को मिल जाता है। 3 वॉल्व पे बाइक को डिजाइन किया गया है। ड्राइव टाइप में बेल्ट ड्राइव मिल जाती है। आप लोगों को पता है कि हमें बाइक में चैन ड्राइव देखने को मिलता है। स्टार्टिंग टाइप में दोस्तों किक एंड सेल्फ दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपकी बैटरी खराब हो जाए तो आप किक से भी चालू कर सकते हैं। फ्यूल सप्लाई में FI मिल जाता है। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है जितनी भी BS6 गाड़ी आ रही है उनमें फ्यूल इंजेक्शन का यूज किया जा रहा है, तो इसमें भी आपको फ्यूल इंजेक्शन देखने को मिल जाता है। ट्रांसमिशन आप लोगों को पता ही होगा कि एक ऑटोमेटिक व्हीकल है। बोर के बारे में बात करेंगे, 52mm का बोर हमें इसमें देखने को मिल जाता है और 58.6mm का स्ट्रोक हमें इस व्हीकल में देखने को मिल जाता है। एमिशन टाइप BS6 मॉडल है, मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके फीचर एंड सेफ्टी। एंड इसके सेफ्टी के बारे में बात करेंगे तो ब्रेकिंग सिस्टम में CBS देखने को मिल जाता है, जिसमें हम कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं कि अगर आप एक साइड का ब्रेक पुश करते हो तो दोनों साइड के ब्रेक एक साथ लगते हैं। स्पीडोमीटर एनालॉग मिल जाता है, ऑडोमीटर एनालॉग देखने को मिल जाता है, साथ में कंसोल आपको एनालॉग भी देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको कुछ चीजें डिजिटल भी देखने को मिल जाती है। साथ में इस व्हीकल में आपको क्लॉक भी देखने को मिल जाता है, फ्यूल इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है, लो फ्यूल इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों
चलिए दोस्तों चेसिस एंड सस्पेंशन के बारे में बात कर लेंगे। चेसिस टाइप में मोनोकॉक फुल स्टील बॉडी कंस्ट्रक्शन हमें इस व्हीकल में देखने को मिल जाता है। वही दोस्तों बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। तो सस्पेंशन में दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को हाइड्रोलिक सिंगल साइड आर्म फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। वहीं रेयर सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे, डुअल इफेक्ट हाइड्रोलिक शॉक आपको इस व्हीकल में देखने को मिल जाता है। इसके कैपेसिटी एंड लेंथ के बारे में बात करेंगे। इस व्हीकल का जो ओवरऑल लेंथ है इस व्हीकल का 1770 mm की है। इस व्हीकल का जो वीट है वो 690 mm की है। दोस्तों इसके ओवरऑल हाइट के बारे में बात करेंगे, सीट हाइट नहीं ओवरऑल हाइट के बारे में, तो 1140 mm का ओवरऑल हाइट हमें इसमें देखने को मिल जाता है। फ्यूल कैपेसिटी में 7.4 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी हमें इसमें देखने को मिल जाती है। सीट हाइट के बारे में बात करेंगे तो 770 mm की सीट हाइट हमें इसमें देखने को मिल जाती है। जी हाँ, 770 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस में 155 mm की ग्राउंड क्लियरेंस हमें इसमें देखने को मिल जाती है। साथ में दोस्तों इसकी वेट के बारे में बात करेंगे तो इस व्हीकल का जो कर्व वेट है वो 115 kg का है। जी हाँ, 115 kg की है वेस्पा 150 मॉडल। साथ में दोस्तों इंजन ऑयल के बारे में बात करेंगे तो 700 ml इंजन ऑयल का इसमें यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों इसके इलेक्ट्रिकल्स के बारे में बात कर लेंगे। इलेक्ट्रिकल्स में नॉर्मली हेडलाइट में आपको हेलोजन मिल जाता है, अगर LED मिलता तो ज़्यादा बेटर होता ऑब्वियसली। टेल लाइट में बल्ब देखने को मिल जाता है, टर्न सिग्नल लैंप में बल्ब देखने को मिल जाता है। बैटरी टाइप में MF बैटरी मिल जाती है जिसे मेंटेनेंस फ्री भी बैटरी कहते हैं। और वहीं बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे तो 12 वोल्ट की 5 AH की बैटरी हमें इस व्हीकल में देखने को मिल जाती है। चलिए इसके टायर्स एंड ब्रेक्स के बारे में बात कर लेंगे। तो टायर्स में दोस्तों यहाँ पे टायर साइज में फ्रंट में आप लोगों को यानी कि जो सामने के टायर है उनका साइज 110/70 का टायर देखने को मिल जाता है, 110/70 का टायर फ्रंट में देखने को मिल जाता है। पे रियर टायर जो है वो 120/70 की है। जी हाँ, जो रियर में आपको टायर मिल जाते हैं वो 120/70 के हैं। टायर टाइप में ट्यूब देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों व्हील टाइप के बारे में बात करेंगे तो व्हील टाइप में अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेंगे दोस्तों ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो ब्रेकिंग सिस्टम में मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इस व्हीकल में आप लोगों को CBS मिल जाता है जिसे कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं, जो कि एक तरफ का अगर आप ब्रेक पुश करते हैं तो दोनों ही ब्रेक साथ में लगते हैं। वही दोस्तों बात कर लेंगे इसके फ्रंट ब्रेक के डायमीटर के बारे में। तो फ्रंट में आप लोगों को डिस्क देखने को मिल जाता है, रियर में ड्रम देखने को मिल जाते हैं, और जो फ्रंट में जो डिस्क प्लेट लगी हुई है उसकी जो साइज है वो 200 mm की, 200 mm की डिस्क प्लेट साइज आपको फ्रंट में देखने को मिल जाती है, और 140 mm की डिस्क प्लेट की साइज आपको रियर में देखने को मिल जाती है। साथ में आपको रेडियल टायर भी इस व्हीकल में देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल दोस्तों वेस्पा 150 है तो बहुत अच्छी गाड़ी। प्राइस आपको थोड़ा सा ज़्यादा देने को लगेगा, लेकिन दोस्तों आप ये भी समझिए कि अगर आप प्राइस दे रहे हैं तो आपको वैसी चीज़ भी मिल रही है। गाड़ी काफ़ी खास है, लुक बहुत ही प्यारा है इस स्कूटर का, और मेरे हिसाब से इसमें जो आपको पावर मिल रहा है वो आपको किसी और व्हीकल में देखने को नहीं मिलेगा, और लुक के तो भाई क्या कहने। साथ में मैंने आप लोगों को जो ऑरेंज कलर दिखाया ना, वो पर्सनली मेरा फेवरेट कलर है। ऑरेंज कलर बहुत ही प्यारा लगता है और ऑरेंज कलर को बहुत ही ज़्यादा परचेज किया जाता है, क्योंकि दोस्तों जो यंग जनरेशन है, हमारी जनरेशन है, उनको और हमको ऐसे ही कलर पसंद आते हैं जो बहुत ज़्यादा फंकी लगते हैं। नॉर्मली ड्यूक में देखेंगे तो ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसका भी ऑरेंज कलर मुझे सबसे बेस्ट लगता है कंपैरिजन टू अदर कलर्स। तो मेरे हिसाब से वेस्पा 150 बहुत अच्छी गाड़ी है। अगर आप खरीदना चाहें तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। पिकअप एंड पावर आपको इस व्हीकल में जोरदार मिलेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके और आप मेरे वीडियोज़ अपडेट रह सकें।